रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MK व्लॉग। अच्छा, मेरा नाश्ता था कॉफ़ी और फ्रेंच टोस्ट, इसके बाद मैंने लंच सर्व कर दिया था बच्चों के लिए और उसमें मैंने आलू की तरकारी बनाई थी, दाल बनाई थी, राइस थे और सैलड था। बहुत ही ज़बरदस्त लंच होता है ये। और इसके बाद मैंने शाम में बच्चों को फ्रूट सर्व किए थे, पपाया था मेरे पास और पोमेग्रेनेट था, तो इस तरह से मैंने प्रेजेंट किया जो कि बहुत ही अपीलिंग लगा बच्चों को। और आज हमें जाना था बर्थडे पार्टी में, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी बेटी की तैयारी करती हूँ, क्या क्या बैग में चीज़ें रखती हूँ उसके लिए। और ये मैंने इसका ड्रेस निकाला था, तो बहुत ही क्लोज़ बर्थडे पार्टी थी ये, रहा कि पप्पू की बेटी की बर्थडे थी तो बस उसके लिए बहुत ज़बरदस्त था ये मैंने ड्रेस लिया था। फ्रॉक बहुत ही पसंद आया था, इतने क्यूट सटल से मल्टी कलर्स का ये फ्रॉक है और इसके साथ मैचिंग मुझे देखनी थी कि अब क्या क्या चीज़ें इसके साथ मैच हो जाएंगी। यहाँ पे मैं पाउडर, लोशन और उसका ये फेस क्रीम है जॉनसन्स की, तो सारी चीज़ें साथ रख लेती हूँ ताकि मुझे कुछ भी उसको रेडी करते हुए उठने की ज़रूरत ना पड़े। वैसलीन, आप जो है जब डायपर चेंज करते हैं तो उस वक्त आप उसको वैसलीन लगा दें तो बहुत ही फ्रेश स्किन रहती है, क्योंकि आजकल बहुत ड्राई वेदर है। ये सबसे मोस्ट फेवरेट मेरी क्रीम है, जो फेस क्रीम है इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं। ये पाउडर पफ है जिसके अंदर मैं ये पाउडर रख लेती हूँ, बहुत ही इरा का फेवरेट है, बस उसके हाथ लग जाए तो वो खुद ही यूज़ करना शुरू हो जाती है। ये मैंने क्यूट सा फैंसी एक बिब निकाल लिया है, क्योंकि बच्चे कपड़े बहुत गंदे करते हैं, ज़ाहिर है केक भी होता है बर्थडे पार्टीज़ पे, एक एक्स्ट्रा भी मैंने रख लिया है। तो ये सबसे पहला काम हो गया कि ड्रेस हो गया, बाकी इसका मैंने एक बिब निकाल लिया, इसके साथ ही मैं इसका एक फेस टॉवल रखूँगी। ये भी बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट सा फेस टॉवल है और इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों की चीज़ें आती हैं, यूजुअली मेरे पास पिंक में बहुत होती हैं। इसके बाद मैंने इसके ड्रेस के साथ मैचिंग के शूज़ लिए थे, ये लाइट वाले शूज़ मुझे खुद बहुत मज़े के लग रहे थे लाइट्स के साथ, और एरा को भी बस होता है लाइट ऑन हो जाए, तो ये परफेक्ट मैच था उसके फ्रॉक के साथ, तो ये मैंने लिए थे इसके शूज़। तो यहाँ मैंने शूज़ भी निकाल लिए हैं, ड्रेस भी रेडी है, सारी चीज़ें मैंने एक जगह करके रख ली हैं। अब एक्सेसरीज़ की बारी आती है, तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें सारी एक्सेसरीज़ हैं, जिनमें से काफ़ी सारे क्लिप्स तो इधर उधर फेंक चुकी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलता है, अम्मी के घर कहीं भी पड़े रह जाते हैं, कभी कहीं कभी गाड़ी में रह जाते हैं। ये इसका छोटा सा जो है कोलोन है, और इसके अलावा ये देखें बैज भी इसका रखा हुआ है, 14 अगस्त में मैंने लगाया था, तो सारी चीज़ें इसी बॉक्स में होती हैं। रा की छोटे छोटे से क्लिप्स हैं, क्यूट से पोनी बैंड्स हैं, हेड बैंड्स हैं, और ये इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं कि बस इसको छुपा के रखना पड़ता है, वरना ये बॉक्स हाथ लग जाए ना, का यही होता है कि वो सारी चीज़ें फैला देती है और उनमें से कुछ चीज़ें गुम जाती हैं। ये क्यूट क्यूट से नेकलेस हैं, ब्रेसलेट्स हैं, और ये क्राउन है, मैं सोच रही थी क्राउन लगा देती हूँ तो वो भी बर्थडे पार्टीज़ में अच्छा लगता है। ये पोनीज़ का पूरा सेट है, तो कुछ चीज़ें मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं कि इसमें से मैं अभी देखूंगी कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है। अच्छा, ये सारा हेडबैंड का कलेक्शन है इरा का, ये सारे मैं एक साथ ही लगा के रखती हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि कौन से कलर्स हैं क्या है। तो ये यहाँ पे देखें मल्टी भी है, स्किन कलर भी है, रेड में भी है, पिंक में तो बहुत सारे हैं, ब्लू भी है, पीच भी है, और अंदर तक सारे ये लगे हुए, रेड भी है और पिंक मेरे पास ज़्यादा ही होते हैं, पीच कलर भी मिल गया। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद मैंने जो शॉर्ट लिस्ट किया था, मुझे लग रहा था ये बैन भी चल जाएगा इसके साथ, नेकलेस सेट तो परफेक्ट था। अब मैं कंफ्यूज थी कि क्राउन लगा दूँ इसको या फिर हेडबैंड लगाऊं, तो कौन सा लगाऊं, तो फिर मुझे एक इसका एक बहुत ही खूबसूरत क्लिप मिला जो मैंने इसके साथ परफेक्ट मैच लग रहा था, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि बर्थडे पार्टी के लिए साइड पे जो है ये बहुत खूबसूरत लगेगा, डबल क्लिप है ये पर्ल चेन के साथ। तो बस बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी और ये मैंने फ़ाइनल कर लिया था कैचर्स और ये वाला सेट। इसके बाद आ जाता है इनका बैग की बारी, क्योंकि बच्चे सबको देखते हैं बैग लिए हुए, तो इनको भी अपना बैग चाहिए होता है, तो ये क्यूट सा यूनिकॉर्न वाला इसका बैग है, इसमें भी सारे मल्टी कलर्स आ रहे हैं, जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें इसके टॉयज़ वगैरह रख देती हूँ जो ये खुद ही खोल के निकाल लेती है और खेल लेती है। इसके बाद बारी आती है कि आप कैरी क्या करते हैं बच्चों के साथ, तो मेरे पास बेबी बैग भी है इरा के, लेकिन मुझे जो है वो अपनी चीज़ें भी रखनी होती हैं और इरा की भी, दो बैग कैरी करने से बेहतर है कि मैंने ये वाला बैग परचेज़ किया था, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है, इसमें मैं अपनी भी चीज़ें रख लेती हूँ और इरा की भी, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग हो जाती है। अच्छा, ये सारे मेरे बैग में जो है जाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो बड़े वाले सारे लोशन हो गया, वैसलीन हो गया, वो तो घर में यूज़ करने के लिए,
कि जो स्मॉल पैकेजिंग आती है तो वो मैं कैरी करने के लिए रख लेती हूँ, जिसमें छोटा लोशन हो गया, छोटी वाली वैसलीन हो गई, फेस क्रीम हो गई। ये मॉस्किटो रिपेलेंट बहुत ज़रूरी है, स्प्रेज जो यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा मच्छरों से डर लग रहा है। और एक ये सैनिटाइज़र होता है, एक रैटल रख लिया, एक बिब और एक फेस टॉवल तो मैंने रख ही लिया। इसके अलावा ये बिस्किट्स रख लिए हैं कि कभी इनकेस अगर बच्चे को भूख लग जाए तो आप उसको दे सकते हैं। एक और फेस टॉवल, एक और मैंने बिब रखा है। बच्चों के साथ ना एक एक एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए। ये इसकी लाइट वाली वॉच है, एक साइड से इसने बारबी को तोड़ दिया है, तो ये भी इसको बहुत पसंद है। फ्रॉक से भी मैच हो रही थी। बाकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेट वाइप्स आ गए। इसके बाद डायपर्स जो हैं वो मैं तकरीबन 3 तो ज़रूर ही रखती हूँ बैग में। कुछ आइडिया नहीं होता है, समटाइम्स आपको नीड हो तो आपके बैग में एक्स्ट्रा चीज़ें होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद अब आती है बात ड्रेसेस की, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्रेसेस भी बच्चों के ज़रूर होने चाहिए। तो एक सेट मैंने ये रख लिया, ये सेट भी ऐसा यूनिकॉर्न वाला था, इसके साथ शूज़ भी मैच करते थे। और एक ये मैंने बहुत ही ईजी सा इसका रख लिया है, समटाइम्स बच्चे सो जाते हैं तो उनको चेंज करा दो। सीज़ की ये टाइट्स हैं और ये टी शर्ट है, एक ये रख लिया। तो 2 एक्स्ट्रा कपड़े आपके पास होने चाहिए। अब ये मैं बैग सेट कर चुकी हूँ, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। नीचे सबसे पहले कपड़े हैं, फिर वाइप्स हैं, फिर डायपर्स हैं। अब मैं इसके अंदर इसकी सारी चीज़ें पॉकेट्स में रखूँगी, जैसे ये वैसलीन हो गई। इसके बाद इसका जो मैंने फेस क्रीम रखनी होती है वो रखूँगी। तो इस बैग में भी 3 पोर्शंस हैं, 2 ओपन पॉकेट्स हैं, एक जिप वाली पॉकेट है। तो इसके अंदर रह के आराम से चीज़ें आ जाती हैं, और जिप वाले पॉकेट में मैं अपनी काम की चीज़ें रख लेती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरा बैग कंप्लीट हो चुका है। बिब, फेस टॉवल, लोशन, फेस क्रीम, सैनिटाइज़र, वैसलीन और सारे इसके कपड़े, सब चीज़ें आ चुकी हैं। साइड में मैंने इसके जो है ये मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे रख लिया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी आप किसी ओपन एयर या बर्थडे पार्टीज़ या इवेंट पे जा रहे हो। और जिप वाली पॉकेट है, इसमें बिस्किट्स आ गए, इसका एक रैटल आ गया है, और एक पानी की बॉटल लाजमी होती है, वो भी मैं इसके साथ ही लेके जाती हूँ। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मैंने अपना भी बैग कैरी कर लिया था, इरा का भी कर लिया था, और बस हम लोग एक बर्थडे पार्टी के लिए निकल रहे हैं। ये हम रास्ते में हैं। कराची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बस हम लोग काफ़ी लेट भी हो गए थे ट्रैफिक की वजह से। तो बस मैं अपना आज का व्लॉग यहीं एंड करूँगी। कि मेरा आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।